तो गाइज आज हम लोग देखने वाले हैं दुनिया के सबसे पहले एवेंजर की कहानी, जो कि है कैप्टन अमेरिका। कैसे वो स्टीव रॉजर से कैप्टन अमेरिका बना और कैसे उसने इस दुनिया को बचाया, तो आइए जानते हैं कैप्टन अमेरिका की जर्नी। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो, जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अरे फ्रैंकलिन भैया कहाँ पर हो आप? गाइज यार पता नहीं फ्रैंकलिन भैया कहाँ पर चले गए, सुबह से ही दिखाई नहीं दे रहे। अरे वो तो यहाँ पर भी नहीं है, मुझे लगता है नीचे होंगे, जल्दी से जाके देखता हूँ। अरे वो रहा चौप, उसको पक्का पता होगा, उसी से जाके पूछ लेता हूँ। अरे चौप सुनना। हाँ बोलो सिंचन। अरे तूने फ्रैंकलिन भैया को देखा क्या? अरे थोड़ी देर पहले तो यहीं पर जोकर बन के घूम रहे थे। अरे वो तो बचपन से ही जोकर है। अरे शिनचैन चौप मैं यहाँ पर हूँ। अरे कहाँ पर हो, मुझे तो कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहे। अरे यहाँ पर ऊपर। मुझे लगता है ना हमें बेवकूफ बना रहे। अरे मैं कोई बेवकूफ नहीं बना रहा, थोड़ा ऊपर आ जाओ। अच्छा ठीक है अभी आता हूँ चौप, चलो जल्दी जल्दी जाता हूँ। अरे कहाँ पर हो, मुझे तो अभी भी दिखाई नहीं दे रहे। अरे शिनचैन यहाँ पर देख ऊपर। अरे वहाँ पर क्या कर रहे हो? पहले तो ये बता ये सूट कैसा लग रहा है? अरे क्यों कैप्टन अमेरिका का नाम खराब कर रहे हो? मतलब क्या तेरा? अरे एकदम जोकर जैसे लग रहे हो। देखो मैंने तो पहले ही कहा था। अरे हाँ चुप, तुम तो एकदम सच बोल रहे थे। वैसे भी कम खराब दिखते थे क्या जो ये सब हरकतें शुरू कर दी? अरे मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अगर कैप्टन अमेरिका ने इनको ऐसे देख लिया तो वो क्या करेगा। क्या करेगा का क्या मतलब है तेरा? अरे वो सब छोड़ो, नीचे आ जाओ, वहाँ पर क्या कर रहे हो? अरे भाई सूट पहना, थोड़ा फील लेने देना सुपर हीरो वाला। मैं बता रहा हूँ शिनचैन तेरे को, ये आदमी एकदम गलत फहमी में मर जाएगा। अरे छोड़ो ना, हमें क्या करना। शिनचैन चुप जल्दी से आ जाओ। अरे ये क्या कर दिया आपने, मैंने पहले कहा था नीचे उतर जाओ। अबे यार प्रवचन देना बंद करो और पहले मुझे बचा। अरे मैं आपको कैसे बचाऊं? अरे कुछ भी कर, बस मुझे नीचे उतार दे। अरे मैं तो बोलता हूँ नीचे कूद जाओ, ज्यादा हाइट भी नहीं है, बच जाओगे। नहीं नहीं मेरे को डर लगता है। अरे क्या छोटे बच्चे जैसी बातें कर रहे हो? अबे तुम दोनों को थोड़ी बहुत शर्म है कि नहीं है? नीचे गिर गया तो मेरी हड्डियाँ टूट जाएगी। अरे सीधा पूल में कूदो ना। रुको मैं कुछ करता हूँ। ये लगाया मैंने दम, यीहा। अरे भाई साहब ये क्या हो गया गाइस यार। चलो जो भी हुआ बचा तो सही, अगर नीचे तो गिर जाता तो बराबर हड्डियाँ टूटती थी। अच्छा हुआ कि पानी में गिरा। अरे रुको मैं भी आ रहा हूँ नीचे। हाँ मैं भी आ रहा हूँ। देखा आखिरकार मैंने आपको बचा ही लिया। हाँ ठीक है ना, एहसान तो कभी मानना ही मत। तूने कोई एहसान नहीं किया, अगर गलती से मैं नीचे गिर जाता तो। अरे पर गिरे तो नहीं ना। वैसे आज ये सूट पहन के क्यों घूम रहे हो? बस ऐसे कैप्टन अमेरिका के बहादुर के किस्से सुनने में आना तो मेरा मन कर गया। अच्छा ऐसी बात है क्या? शिनचैन तेरे को पता नहीं वो कितना बहादुर था? अरे मुझे जानना है। अच्छा रुक, ऐसी बात है तो अभी टोनी को फोन लगाता हूँ। आप बोलो फ्रैंकलिन। अरे टोनी काम था। आप बोलो क्या काम था? अरे हम सब लोग का बहुत मन है कैप्टन अमेरिका का पास देखने का। अच्छा ऐसी बात है क्या? हाँ तो मैंने सोचा क्यों ना टोनी से पूछ लूं। अरे इसमें पूछना क्या, सीधे यहाँ पर आ जाओ। अच्छा ठीक है अभी आते हैं। शिनचैन चौप टोनी मान गया, जल्दी से आ जाओ। अच्छा इसी बात है तो अभी आते हैं। और कम से कम कपड़े तो बदल लो। आज तो भाई साहब इसी में जाऊंगा। अरे छोड़ो ना चौप, चलो जल्दी से। तो गाइस अभी निकलते हैं यहाँ से। वैसे फ्रैंकलिन भैया मुझे आपकी जान बचाने का कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए ना। तूने उल्टा मेरी जान रिस्क में डाल दी थी, अगर मैं मर जाता तो इस दुनिया का थोड़ा सा भला हो जाता। क्या बोला तूने? अरे नहीं नहीं कुछ नहीं। अरे ये सब छोड़ो और मुझे 100 पैकेट चोको चिप के दिला देना। 100 पैकेट? तेरा दिमाग खराब हो गया है। देखा चौप मैंने कहा था ना गरीब के गरीबी रहेंगे। बात अमीर गरीब की नहीं है भाई, तेरे को क्या अपने दांत सड़ाने? अरे ये शिनचैन के दांत है, इतने जल्दी नहीं सड़ने वाले। अरे वो क्या बात है, इसके लिए तो एक लाइक बनता है, जल्दी से कर दो। अरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। जब इतना कुछ कर ही रहे हो तो घंटी वाला आइकन भी दबा ही देना, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अरे हम तो पहुंच गए। तो जल्दी से गाड़ी को यहाँ साइड में लगाता और जाता हूँ सीधा अंदर। अरे रुको रुको हम भी आ रहे हैं। ये देखो जोकर भागा। अरे फ्रैंकलिन ये क्या पहना है तुमने, इतनी हंसी क्यों आ रही है, इतना गंदा दिख रहा हूँ क्या? अरे नहीं गंदे तो नहीं दिख रहे। अरे रुको रुको ना मैं भी आ रहा हूँ। हाँ आप बोलो क्या बोल रहे थे? मैं बस इतना कह रहा था कि गंदे तो नहीं पर बहुत फनी दिख रहे हो। अरे ये क्या, ये तो मेरी थर्ड कॉपी लग रहा है। कैप्टन यार कम से कम ऐसा तो मत बोल, मैं भी तेरा फैन हूँ। छी इतना गंदा फैन। अरे ये तो मुँह पे बेइज्जती हो गई। मुँह ही बेइज्जती वाला है, हल्को हंसी आ रही है। तो हंस लेना जाड़िए। क्या बोला तुमने? नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, हंसो हंसो। मैं तो बस भगवान सही की शुक्र मना रहा हूँ, तुम कभी मेरा कॉस्ट्यूम ना पहन लो। भाई साहब यार ये तो गजब भी बेइज्जती हो रही है। अच्छा ठीक है मजाक था। अरे अभी जल्दी से ये मशीन स्टार्ट कर दो, मुझे कैप्टन के बहादुरी के किस्से सुनने हैं। अच्छा ठीक है शिनचैन अभी जाके करता हूँ। ये मैंने कर दी मशीन स्टार्ट। तो गाइस जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आज हम देखने वाले हैं कैप्टन अमेरिका की कहानी। ये उस समय की बात है जब हमारा कैप्टन अमेरिका काफी दुबला पतला और कमजोर सा एक लड़का था, जिसे अपने देश की सेवा के लिए आर्मी ज्वाइन करनी थी, पर कमजोर होने के वजह से वो ऐसा कभी कर ही नहीं पाया। अरे यार आज मैं वापस से लेट हो गया, मुझे जल्दी से जाके प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, नहीं तो मैं आर्मी में ज्वाइन ही नहीं हो पाऊंगा। अरे ये दोनों कौन है जो मेरे रास्ते में रुके है? ये लड़के इधर ही रुक जा। पर तुम लोग हो कौन? अभी बताते हैं तेरे को, जितना माल है तेरे पास सब हमारे हवाले कर दे। अरे मेरे पास कुछ भी नहीं है। हमसे झूठ मत बोलो नहीं तो बहुत मार खाओगे। तुम मेरा कुछ नहीं कर पाओगे, मैं आर्मी में ज्वाइन होने वाला हूँ। अच्छा ऐसी बात है क्या, अब तो तुम गए मेरे हाथ से, ये लो। अरे ये क्या कर दिया तुमने? ये ले और ये भी ले, बहुत होशियारी मार रहा था ना, ये ले भिखारी साला। चल मोंटू चलते यहाँ से, इससे पहले के पुलिस वाले हमें देख ले, किसी और को जाके लूटते हैं, जल्दी जल्दी जाते यहाँ से। अरे यार ये लोग तो बहुत ही कमीने लोग थे, इन्होंने तो बहुत बुरी तरीके से मारा मुझे, इनको मैं एक दिन छोड़ूंगा नहीं, एक बार बस मुझे आर्मी ज्वाइन करने दो। अभी जाता हूँ यहाँ से, मैं ऐसे
हार नहीं मान सकता, मुझे अपने देश के लिए कुछ करना है। अरे ये कैप्टन अमेरिका है। हाँ शिनचैन यही कैप्टन अमेरिका है। अरे ये तो बहुत दुबला पतला और कमजोर सा है। अरे ये क्या हो रहा है यहाँ पर, ये तो एक आर्मी वाले को परेशान कर रहे हैं। मुझे लगता है मुझे कुछ करना पड़ेगा। अरे वो चाहिए, तुमने क्या कर दिया, फटाक से यहाँ पर आ जाओ नहीं तो तुम्हें गोली लग जाएगी। अच्छा ठीक है अभी आता हूँ। बार बार बचा, ये तुमने क्यों किया? अरे वो आपको परेशान कर रहा था ना इसलिए। रुको मेरे पास हथियार है, मैं इनको रोकता हूँ। अच्छा ऐसी बात है, तुम्हारे पास हथियार कहाँ से आया? अरे ये बहुत लंबी कहानी है, मुझे भी आर्मी में ज्वाइन होना है इसलिए मैं रोज प्रैक्टिस करता हूँ। अच्छा ऐसी बात है तो ठीक है, रुको अभी इनको रोकता हूँ। ये गया मेरे हाथ से एक, और ये दूसरा हेडशॉट। वाह क्या बात है, तुमने तो कमाल ही कर दिया। अरे पर क्या फायदा, मैं कभी भी आर्मी ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा। पर ऐसा क्यों? वो लोग कहते हैं मैं काफी कमजोर हूँ, मैं आर्मी में रहने लायक नहीं हूँ। ये तो बहुत ही गलत बात है, तुम तो बहुत ही बहादुर हो। आओ मेरे साथ, आज से तुम आर्मी में हो। स्टीव की बहादुरी देखकर वो आर्मी ऑफिसर इतना ज्यादा खुश हो गया कि उसने स्टीव के आर्मी ज्वाइन करने के सपने को पूरा कर दिया। उस चीज को लेकर स्टीव काफी खुश था। जवानों तुम सब तैयार हो? यस सर हम लोग तैयार है। अरे ये कमजोर आदमी यहाँ पर क्या कर रहा है, इसको आर्मी में किसने ले लिया? चुप रहो, आर्मी ज्वाइन करने के लिए बॉडी की जरूरत नहीं होती, अपने देश के लिए कुछ करने का जज्बा होना चाहिए जो कि इस लड़के में तुमसे ज्यादा है। अरे सर मैं तो मजाक कर रहा था। अच्छा ठीक है, आज तुम सबको एक टेस्ट देना पड़ेगा। सर कैसा टेस्ट? मैं यहाँ पर एक टाइम बम लगाने वाला हूँ और ये टाइम बम कुछ ही देर में फटने वाला है। तुम सब लोग यहाँ पर क्या करोगे ये मुझे जानना है। टाइम शुरू हो चुका है। अरे सर ये क्या बोल रहे हो, ये तो बहुत खतरे वाली बात है, इस समय भागना ही सही रहेगा, जल्दी से भागता हूँ। अरे कहाँ जा रहे हो तुम सब लोग, ये बम किसी न किसी को उड़ा ही देगा, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा नहीं तो किसी को भी चोट लग सकती है। एक काम करता हूँ, इस बम पे बैठ जाता हूँ, जिससे ये बम फटेगा तो भी ज्यादा असर नहीं होगा। अरे बाप रे ये क्या हो गया, अरे मुझे तो कुछ हुआ ही नहीं। शाबाश सर, ये तो बहुत ही छोटा सा धमाका था, हम बस टेस्ट ले रहे थे, इन सब में से सबसे अच्छी सिचुएशन कौन हैंडल करता है और तुम उसमें जीत गए। कल सुबह इसी समय पर यहाँ आ जाना। अच्छा ठीक है सर। आर्मी वालों को सुपर सोल्जर सीरम की टेस्टिंग करने के लिए एक बहादुर सोल्जर की जरूरत थी, जिसके लिए उन्होंने स्टीव को चुना क्योंकि स्टीव उस काबिल था। पता नहीं सर ने मुझे क्यों बुलाया होगा, जल्दी से जाके देखता हूँ। अरे यहाँ पर तो साइंटिस्ट है, यहाँ आकर चल क्या रहा है? अच्छा तो तुम ही वो लड़के हो, पर तुम तो काफी कमजोर दिख रहे हो, तुम ये सब झेल पाओगे? सर मुझे नहीं पता आप किस चीज के बारे में बात कर रहे हो, पर अगर ये चीज मेरे देश के लिए है तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। तुम्हारी बातों से तो ऐसा लग रहा उन्होंने सही डिसीजन लिया। सर मुझे बताइए मुझे क्या करना होगा? यहाँ पर आके लेट जाओ। अरे ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे काफी दर्द हो रहा है। सुपर सोल्जर बनाने की प्रक्रिया में स्टीव को काफी दर्द हुआ, पर अपने देश के लिए कुछ करने के हौसले ने उसे हारने नहीं दिया और इसी चीज के बाद स्टीव बन जाता है कैप्टन अमेरिका। और ये क्या हो गया, यहाँ पर तो सब गड़बड़ हो गई, ये मशीन तो जल चुकी है, पता नहीं स्टीव के साथ क्या होगा। सबसे पहले तो इसको बंद कर देता हूँ। स्टीव तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? स्टीव यहाँ पर आखिर में चल क्या रहा है, कोई भी मशीन काम नहीं कर रही, सब गड़बड़ हो चुका है। अरे ये क्या हो गया मेरे साथ, मुझे काफी ताकत महसूस हो रही है, ऐसा लग रहा है मैं पहले से काफी लंबा हो चुका हूँ। वाह क्या बात है, ये सीरम तो काम कर गई, पर पता नहीं इसका पूरा असर हुआ भी है कि नहीं। ये जो कुछ भी था अब मुझे बिल्कुल भी कमजोरी महसूस नहीं हो रही, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा आखिर में मेरे साथ हो क्या गया है, पर ये जो कुछ भी है मुझे काफी अच्छा महसूस हो रहा है। ये रहा वो साइंटिस्ट, इसको अभी जाके मार देता हूँ नहीं तो ये हाइड्रा के खिलाफ लड़ने के लिए और सुपर सोल्जर बना देगा, अगर यही नहीं रहेगा तो सीरम भी नहीं रहेगी। अभी इसे मारता हूँ जाके, और ये गया। चलो मुझे किसी ने नहीं देखा, अभी भागता हूँ यहाँ से, जल्दी जल्दी जाता हूँ। सर ये क्या हो गया आपको, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, वो मेरे हाथ से नहीं बचेगा सर। पता नहीं कौन था वो, अभी जाता हूँ उसके पीछे। अरे ये क्या हो गया है, मेरी स्पीड तो काफी ज्यादा बढ़ गई है, अब मैं उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। ये रहा वो, रुक जा तू। ये गया, ये तो एक ही पंच में मर गया, मेरी पावर तो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। मुझे लगता है उस सीरम ने काम कर दिखाया, पर मेरी वजह से सर मारे गए, इसने आके सब कुछ गड़बड़ कर दी। कहानी कुछ साल बाद की, जब हमारा स्टीव 35 इयर्स का हो जाता है और उसे आर्मी के लिए काम करते हुए काफी समय हो चुका है। अरे वाह कितनी शांति है यहाँ पर, मुझे अपने देश के लिए काम करते काफी समय हो चुका है, कितने साल हो चुके हैं मुझे आर्मी के लिए काम करते, पर अभी तक कोई ऐसा काम नहीं मिला जिससे मैं अपनी काबिलियत साबित कर पाऊँ। अरे ये किसका फोन आ रहा है, एक मिनट ये तो सर का फोन है। यस सर। टीम मेरी बात ध्यान से सुनो। जी बोलिए सर। बकी रेड स्कल को हराने गया था, उसके बाद वापस ही नहीं लौटा। ये क्या बोल रहे हो सर, बकी तो मेरा दोस्त है, मैं उसे बचा लूंगा, ये हाइड्रा वाले तो बहुत ही ताकतवर हो चुके हैं। हाइड्रा एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जो आर्मी के खिलाफ काम करती थी और इनका लीडर सीरम के हैवी डोज की वजह से काफी ताकतवर हो चुका था और उसी के साइड इफेक्ट की वजह से उसकी बॉडी और उसकी स्किन पर काफी गंदा इफेक्ट हुआ था, तभी से लोग उसे रेड स्कल के नाम से जानते हैं। शिप को यहीं पे रोक दो, क्यों तुम हमें रोकने आए थे, तुम्हें पता भी है हम कौन है? तुम जो कोई भी हो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अच्छा ऐसी बात है, पर ये तुम्हारी गलत फहमी है क्योंकि आज तुम जिंदा नहीं बचोगे। ये लो। अरे ये तो इतने में ही बेहोश हो गया, आर्मी इतनी कमजोर हो चुकी है। कोई बात नहीं जवानों मेरे पीछे आ जाओ, हाइड्रा अमर रहे, हम इनकी आर्मी को पूरी तरीके से तहस नहस कर देंगे। जल्दी से जाता हूँ, ये मैंने बाइक को स्टार्ट कर दिया, अब निकलता हूँ यहाँ से। बाकी चिंता मत करो, मैं तुम्हें ढूंढ ही लूंगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, आज तो इस रेड स्कल को छोड़ूंगा नहीं, इसने तो
नाक में दम करके रखा है और यह हमारे देश के लिए भी खतरा है। और जो देश का दुश्मन वो मेरा भी दुश्मन, यहाँ पर ही होने चाहिए वो लोग। एक काम करता, बाइक को यही पे रोकता और पहले देखता हूँ यहाँ से, यह जाने में तो काफी ज्यादा खतरा है, मुझे कोई और रास्ता ढूंढना पड़ेगा। ये रही उनकी शिप, इसका मतलब वो अभी भी यहाँ पर आए है, अब मुझे उनके पास जाना पड़ेगा। काम करता हूँ, बाइक पे बैठ के निकलता हूँ यहाँ से, अब जल्दी जल्दी जाता हूँ, पता नहीं आगे कितने लोग होंगे। चलो मैं पहुँच गया, बाइक को यही पे रोकता हूँ, इसके आगे मुझे खुद ही जाना पड़ेगा। पानी के रास्ते से चला जाता हूँ, ये देश और जगह हमारी है, मुझे यहाँ के सारे सीक्रेट रास्तों के बारे में पता है। ये लगाई मैंने छलांग। अरे तुम्हारी शील्ड कहाँ पर गई? शिनचैन उस समय मुझे शील्ड मिली नहीं थी। अच्छा इसी बात है क्या? जल्दी जल्दी टहर के अंदर जाता हूँ, ये सुरंग तो काफी लंबी है, कहीं मैं उस तक पहुँचूँ उससे पहले वो उसको मार ना दे। चलो आखिरकार ये खत्म हुई, अब यहाँ से सीधा ऊपर जाना पड़ेगा मुझे, मैं बस पहुँचने ही वाला हूँ। चलो फाइनली पहुँच ही गया, यहाँ पर कोई है तो नहीं, यहाँ तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। अब जल्दी से ऊपर जाता हूँ, यहाँ से मुझे काफी आराम से काम लेना पड़ेगा। अरे यहाँ पर तो कोई है, इसे रास्ते से साफ करना पड़ेगा, ये भी हाइड्रा का ही आदमी है, ये गया मेरे हाथ से। आए दैया सूरा घोप दिया रे। चलो ये तो गया, अब अंदर जाता हूँ, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, मुझे लगता है वो किसी और फ्लोर पे होंगे, लिफ्ट यही कहीं पे होनी चाहिए। पहले तो अपनी गन निकाल लेता हूँ, ये रहा उनका एक आदमी, ये गया और ये भी। चलो यहाँ का रास्ता तो साफ हुआ, ये रही लिफ्ट, पता नहीं और कितने लोग होंगे, जितने भी हो मैं सबको संभाल लूंगा। अरे यहाँ पर तो दो जन और है, ये गए, मेरे सामने कोई भी नहीं टिक पाएगा, मैं आज पूरा हाइड्रा ही खत्म कर दूंगा। बाकी कहाँ पर हो तुम? बाकी तो जवाब ही नहीं दे रहा, इस रूम में जाके देखता हूँ, मुझे लगता है यही पे होना चाहिए। ले ये रहा बाकी, आखिरकार मुझे मिल ही गया। बाकी चिंता की कोई बात नहीं है, मैं आ चुका हूँ। अरे स्टीव तुम आ गए, मुझे पता था तुम मुझे बचाने जरूर आओगे, हमें कैसे भी करके हाइड्रा को रोकना पड़ेगा, इनके इरादे ठीक नहीं है, अगर हमने अभी उनको नहीं रोका तो ये बहुत बड़ी गड़बड़ कर देंगे। बाकी तुम चिंता मत करो, हम ऐसा कुछ भी होने नहीं देंगे, आ जाओ मेरे पीछे पीछे। अच्छा ठीक है स्टीव, हम दोनों मिलकर इस हाइड्रा को खत्म कर देंगे और उनके लीडर को भी। वो रेड स्कल बहुत ही ताकतवर है, उसकी चिंता तुम मत करो। रेड स्कल कहाँ पर है तू? हमारे सामने आ, आज हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अरे वो क्या, वो तो यहाँ से भाग रहा है। रेड स्कल रुक जा, तू मेरे हाथ से नहीं बचेगा। बाकी जल्दी जल्दी आ जा, ये तो टेक ऑफ करने ही वाले है, मुझे उससे पहले जाके उसे रोकना पड़ेगा, इससे पहले के पीछे का गेट बंद हो मुझे उसमें दाखिल होना पड़ेगा। रेड स्कल भागता कहाँ पर है? वहीं पर रुक जा। ये लगाई मैंने जंप, अरे यार बच गया, फिर से एक बार ट्राई करता हूँ। ये लगाई मैंने जंप, चलो फाइनली ऊपर पहुँच ही गया। अरे वाह क्या बात है, तुम तो यहाँ पर आ ही गए पर यहाँ से जिंदा नहीं जा पाओगे। ये लो, ये तुमने क्या किया? तुमने मेरे दोस्त को गोली मारी है। बाकी कहाँ पर है तू? वो तो गया नीचे। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं रेड स्कल, तुमने ये बहुत ही गलत किया, तुम तो गए मेरे हाथ से। ये लो, ये भी लो। ये क्या हो रहा है? मुझे लगता है ये प्लेन तो क्रैश करने वाला है। अरे अरे ये क्या हो रहा है, मैं तो बाहर निकल गया, ये प्लेन तो क्रैश होने वाला है। पर रेड स्कल काफी ताकतवर है, वो कैसे भी करके बच जाएगा, मुझे उसे खत्म करना ही पड़ेगा। अरे अरे ये क्या हो गया, बहुत जोर से लगी। स्टीव रॉजर मतलब के कैप्टन अमेरिका, उसने फिर से एक बार देश को बचाने के लिए खुद की जान खतरे में डाली और उड़ते हुए कार्गो प्लेन से नीचे जा गिरा। इस कैप्टन अमेरिका ने तो नाक में दम कर दिया है, मेरी तो हालत खराब हो गई है, यहाँ से चला जाता हूँ, इससे पहले कि वो यहाँ पर आ जाए वो मुझे कभी ढूंढ नहीं पाएगा। कैप्टन अमेरिका ने अपनी बहादुरी से देश को बचा लिया था पर खुद को नहीं बचा पाया, वो उस बर्फ में कई सालों तक जमा रहा और 70 सालों बाद वो शील्ड के हाथों लगता है और वहीं से शुरुआत होती है अवेंजर की, क्योंकि हमारा कैप्टन अमेरिका ही था द फर्स्ट अवेंजर। चैन से सोना है तो जाग जाओ, क्योंकि स्टील के हाथ वाला लौंडा शहर में तबाही मचा रहा है और वो कब से हाइड्रा हाइड्रा चिल्ला रहा है। अरे ये तो बकी है, मुझे लगता है ये हाइड्रा वालों का शिकार हो गया, अब ये उनके चंगुल में फंस चुका है, मुझे उसे जाके रोकना पड़ेगा, जल्दी से जाता हूँ। अरे क्या बात है, तुम्हें तो शील्ड भी मिल गई। हाँ शिनचैन, ये मुझे मेरी बहादुरी की वजह से मिली थी और ये मुझ पे सूट भी करती है। वो बात तो है, सूट तो करती है, काश मेरे पास भी शील्ड होती। और तू उससे क्या करता, टट्टी रोकता? अरे क्या आप भी। ये रहा बकी, बकी वहीं पे रुक जा। मैं नहीं रुक सकता, हाइड्रा अमर रहे, मैं तो कहता हूँ तुम भी हाइड्रा में शामिल हो जाओ, हम दोनों मिलकर इस देश पे राज करेंगे और हाइड्रा वालों की सेवा। बकी ये सब बहुत ही गलत है, तुम अगर नहीं रुके तो मुझे मजबूरन तुम्हें मानना पड़ेगा। ऐसी बात है तो ये लो, झुक जाओ नहीं तो उड़ा दूंगा। मुझे लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे, मेरी शील्ड काफी मजबूत है, तुम्हारी गोलियों का इस पे कोई भी असर नहीं होगा। ये लो और ये भी, तुम्हें तो मैं उठने ही नहीं दूंगा। तुम मेरे दोस्त भले हो पर तुम देश के दुश्मन बन चुके हो, मुझे तुम्हें ठीक करना ही पड़ेगा। ये लो और ये भी। अरे तुम तो पहले से काफी ताकतवर हो चुके हो। हाँ शिनचैन, ये लो, मैं तब तक तुम्हें मारूंगा जब तक तुम होश में नहीं आ जाते, मुझे माफ कर देना पर ये मुझे करना ही पड़ेगा। ये लो, जंप लगाता हूँ यहाँ से। ये रहा वो, उठता कहाँ पर है? ये ले, ये तो काफी दूर जाके गिरा, शील्ड से मारता हूँ, अब इसके नजदीक जाता हूँ, मुझे लगता है ये बेहोश हो चुका है। अरे ये तो वापस से उठ गया। ये ले, वाह कितनी कमाल की शील्ड है, इसने मेरा बहुत साथ दिया। ये लो, ये भी लो और ये भी लो, तुम तो गए मेरे हाथ से, तुम आज बच ही नहीं पाओगे। अरे वाह क्या उड़ के गया है, ये क्या हो गया, मैं कैसे गिर गया? बाकी कहाँ पर है तू? अब ये कहाँ पर चला गया? मुझे लगता है वो भाग चुका है, पर मैं जल्दी उसे ढूंढ के ठीक करवा दूंगा, जब तक मैं यहाँ पर हूँ शहर को कुछ नहीं होगा। अरे तुम्हारी कहानी तो काफी इंटरेस्टिंग थी, अब मैं सोच रहा हूँ ना कॉस्ट्यूम के साथ शील्ड भी ले लो। अरे प्लीज हम पे रहम करो और ये कॉस्ट्यूम उतार दो, तुम लोगों से मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं होती। अरे बिल्कुल नहीं। तो गाइस यार आप लोग बताओ मैं सूट में कैसा लग रहा हूँ, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपसे।
अपने अगली वीडियो में। जय हिंद।